तो हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे मून नाइट का एपिसोड 1। तो मून नाइट से रिलेटेड मैं सिर्फ आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि बाकी सीरीज की तरह नहीं है, बल्कि आप इसको एंजॉय करेंगे हर एक मूवमेंट को, हर एक मिनट को, जैसे कि आप एक मूवी देख रहे हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है आर्थर, और जो कि काफी अजीब दिखाया जाता है। यहाँ पर दिखाते हैं कि वो एक कांच के गिलास में पानी पीता है, उसी कांच के गिलास को एक कपड़े के द्वारा और एक छड़ी के द्वारा तोड़कर और उसके कांच के टुकड़ों को अपने शूज के अंदर डालकर पहन के चल रहा होता है। उसके बाद सीधा सीन दिखाया जाता है स्टीवन पर, जो कि इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं, जिनको एक अजीब हालत में दिखाया जाता है, जिन्होंने अपने पैरों में बेड़ियां बांध रखी होती हैं और अपने बेड के चारों तरफ सैंड बिखेर रखी होती है, और यहाँ तक कि दरवाजे पर टेप भी लगा रखी होती है, क्योंकि उसको यही लगता है कि उसकी बॉडी उसकी कंट्रोल में नहीं है, और उसके सोने के बाद उसके साथ क्या होता है और वो कहाँ मिलता है, वो उसके साथ अजीब अजीब हरकतें होती रहती हैं, जैसे कि वो सो कहीं और रहा है और उठ कहीं और रहा है। तो ये सब चीज़ें उसके साथ होती हैं। इसी चीज़ को वो जानने के लिए डेली अपने पैरों में बेड़ियां बांधता है और इस तरह से सैंड भी खेरता रहता है, ताकि जब भी वो अपने पलंग से उठे तो उसको अपने पैरों के निशान दिख पाए कि वो नींद में चलता हुआ उठा है, और अगर वो चलता है तो उस बेड़ियों के जरिए रुक जाए। और साथ ही में दरवाजे पे टेप लगाने का मतलब यह है कि अगर वो बाहर जाता है दरवाजे से तो उस दरवाजे की टेप भी उसको हटानी पड़ेगी, मगर वो उसको हमेशा वैसे की वैसी ही मिलती हैं, जैसे कि वो चीज़ें रात को बांध कर या डालकर सोता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि स्टीवन अपनी जॉब के लिए निकल पड़ता है, तो वो एक म्यूजियम में जॉब करता है, और इस मूवी में ये भी दिखाया गया है कि स्टीवन को काफ़ी इंटरेस्ट होता है हिस्ट्री में और वो काफ़ी नॉलेज भी रखता है। इसी चीज़ से रिलेटेड वो एक बच्चे को इस म्यूजियम में पड़ी हुई कुछ आर्ट के बारे में बता रहा होता है, जिसके बाद उसके मैनेजर को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मैनेजर उसके साथ ढंग से बात नहीं करती है। ये सिर्फ उसी दिन की बात नहीं, ये दिखाया गया था कि वो हमेशा ही उससे इस तरह से बात करती है, उसको इंसल्ट करती है और उसको बोलती है कि तुम यहाँ पर ये सब काम करने के लिए नहीं हो, बल्कि यहाँ पर ये बेचने के लिए हो, यानी कि वो वहाँ पर सिर्फ टॉफीज बेचने के लिए होता है। तो इसी के बाद दिखाया जाता है जहाँ पर स्टीवन के पास एक लड़की आती है जो कि उसको डेट के लिए बोलती है, मगर स्टीवन को याद ही नहीं होता कि कब उसने उस लड़की के साथ डेट फिक्स करी थी कबाब्स खाने के लिए, जिस पर उसकी मैनेजर उसको आके ताने भी मारती है कि अच्छा तुम ये सब यहाँ कर रहे हो, मुझे नहीं पता था। और जब स्टीवन की इस दिन की शिफ्ट खत्म होती है तो वो अपने घर जाते हुए दिखाया जाता है, वहाँ पर वो वापस जाते वक्त हमेशा से एक स्टैचू बने हुए बंदे के साथ बात करता है, जिसको वो अपनी सारी परेशानियाँ बताता है, क्योंकि जिस तरह से इस मूवी में दिखाया गया है कि इसकी लाइफ में कोई उसका फ्रेंड नहीं होता है और वो काफ़ी लोनली होता है, तो इसी तरह से वो सारी परेशानियाँ एक मूर्ति बने हुए यानी स्टैचू बने हुए बंदे से बात करता है, यानी बताता है कि कैसे उसके साथ क्या हो रहा है और वो कहीं पर सोता है और कहीं पर उठता है। इस बात से तो वो परेशान होता ही है, मगर वो इस बात से खुश भी होता है कि वो किसी के साथ एक डेट पर जा रहा है। और फिर स्टीवन अपने घर पर आता है और हर रोज की तरह अपना रूटीन फॉलो करता है, जैसे कि अपने हॉबीज़ के अनुसार वो हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है या फिर इजिप्ट के बारे में पढ़ता है, और उसके बाद अपने पैरों में बेड़ियां बांधता है और पलंग के चारों तरफ सैंड बिखेर कर और दरवाजे पर टेप लगाकर सोता है। अगर उसकी कोशिश यही रहती है कि वो जगे रहे ताकि उसकी बॉडी कुछ भी गलत काम ना करे, मगर उसकी आंख लगी जाती है, और जब आंख खुलती है तो वो किसी दूसरी जगह पे ही होता है और उसके मुंह से खून भी आ रहा होता है और वो काफी हैरान भी होता है कि वो कहां पर आ गया है, क्योंकि वो तो सो रहा था और वो इस जगह पर कैसे पहुंच गया। और फिर उसको किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि असल में एक इजिप्शियन गॉड होता है, और फिर गॉड उसको कहते हैं कि अपना जिस्म मां के हवाले करो, मगर स्टीवन को पता ही नहीं होता कि ये मार्क कौन है। और फिर आवाज़ आती है कि बॉडी अभी बेवकूफ़ के हाथ में है, बेवकूफ़ यानी स्टीवन को ही बोल रहे होते हैं। तभी कुछ लोग स्टीवन पर गोली चलाने लग जाते हैं और स्टीवन डर के और भागकर गांव के अंदर घुस जाता है, और फिर लोग उसके सर्च में लग जाते हैं जो कि उसी पर गोली चला रहे होते हैं। और फिर एंट्री होती है आर्थर की, जहाँ पर गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और आर्थर को दिखाया जाता है कि उसको गांव वाले काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, और फिर आर्थर एक जगह पर खड़ा हो जाता है एक लीडर की तरह, और लोग उसके पास एक एक करके आते हैं अपने पाप और पुण्य को जानने के लिए, जिसमें ये दिखाया जाता है कि आर्थर के हाथ में एक टैटू होता है जो कि एक तराजू के शेप में बना होता है, और जिसके द्वारा ये पता लगता है कि किस इंसान ने कितने पाप करे हैं, यानी कि अगर आर्थर ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है किसी इंसान का और अगर उस टैटू का कलर ग्रे होता है तो इसका मतलब उसने कोई भी पाप नहीं कर रखे हैं, और अगर इस टैटू का कलर रेड हो जाता है तो उस आदमी ने बहुत ज़्यादा पाप कर रखे हैं। जिसमें ये दिखाया गया था कि वो एक आदमी को छोड़ देता है क्योंकि उसके लिए टैटू सिर्फ ग्रे था, और मगर उसके बाद एक बूढ़ी औरत आती है जो कि आर्थर का हाथ पकड़ती है और अपने बारे में पूछती है, जिस टाइम पर टैटू रेड हो जाता है और एविड की देवी उस बूढ़ी औरत की जान ले लेती है। और ये सब
स्टीवन भी देख रहा होता है। और तब एक गन वाला आदमी आर्थर के पास आता है और वहां पता लगता है कि वो आदमी आर्थर के ही लोग हैं जो कि स्टीवन पर गोली चला रहे थे। जब आर्थर के सामने काफी सारे लोग जमा होते हैं तो वो ये जानने के लिए कि इनके बीच में कौन है वो जो कि वहां से बच के भागा है स्कैलब को लेके। स्कैलब एक ऑब्जेक्ट दिखाया गया है जिसके लिए पूरी लड़ाई हो रही है और आर्थर इसी चीज के पीछे है। तो आर्थर अपनी भाषा में सब लोगों को बैठने के लिए बोलता है मगर ये लैंग्वेज स्टीवन को नहीं पता थी तो वो उसमें नोटिस हो जाता है क्योंकि बाकी सारे लोग बैठ जाते हैं और वो खड़ा रह जाता है। और यहाँ पर आर्थर सीधा स्टीवन से स्कैलप मांगता है जहाँ पर स्टीवन को पता भी नहीं होता कि ये चीज़ उसके पास क्यों है और इसका उसको करना क्या है। तो वो आर्थर से डर कर वो चीज़ उसको देने लगता है। जहाँ पर जब स्टीवन उस चीज़ को देने लगता है आर्थर को मगर उस टाइम पे दिखाया था कि स्टीवन की बॉडी उसी के कंट्रोल में नहीं होती है और वो चीज़ आर्थर को नहीं देने देता है। इसमें स्टीवन काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है मगर वो ये चीज़ आर्थर को नहीं दे पाता है। और फिर आर्थर उसको पकड़ने के लिए अपने आदमियों को भेजता है जहाँ पर दिखाया जाता है कि स्टीवन को चारों तरफ से उसके आदमी घेर लेते हैं और इसी टाइम पर स्टीवन की आंखें ब्लिंक होती हैं और दिखता है कि चारों तरफ जो आर्थर के आदमी थे नीचे मरे पड़े होते हैं और स्टीवन के हाथों में खून भी लगा हुआ है। तो उसके बाद स्टीवन वहां से भागने में कामयाब होता है एक आइसक्रीम ट्रक के जरिए। उसके बाद दिखाया जाता है जब वो आइसक्रीम ट्रक लेके भागता है तो उसके पीछे आर्थर के आदमी भी उसका पीछा करते हैं और इसी दौरान उसके ट्रक में आर्थर का एक आदमी घुस जाता है और स्टीवन को मारने की कोशिश करता है। पर इस बारी भी कुछ ऐसा ही होता है कि स्टीवन की आंखें ब्लिंक होती हैं और सब चीज़ें अपने आप से ठीक हो जाती हैं और स्टीवन के हाथ में एक बंदूक भी आ जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि उसके साइड में जो कार चल रही थी वो अपने आप से हट गई है और जो उसके पास एक आदमी गाड़ी में घुस गया था वो भी घायल है या फिर उसको गोली लग चुकी है जिसमें कि वो वैन से ऑटोमेटिकली अपने आप ही गिर जाता है। और फिर स्टीवन को आवाज़ आती है कि आगे ट्रक है संभाल के। और गॉड साथ में ये भी कहते हैं कि अगर स्कैलब को कुछ हुआ तो तुम दोनों यहीं पर ख़त्म हो जाओगे। तो जो दूसरी पर्सनैलिटी थी वो मार्क की थी जो कि एक ही इंसान में है यानी कि इस बॉडी को दो जने यूज़ कर रहे हैं एक स्टीवन और एक मार्क। जहाँ पर स्टीवन बहुत ही सीधा साधा और एक सिंपल बंदा है और मार्क काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग एक्सपर्ट और इस मिशन के बारे में सब कुछ जानता है। इसी वजह से जब स्टीवन आके ब्लिंक करता है तो उसकी पर्सनैलिटी चेंज होके मार्क में बन जाती है। तो इसी के जरिए पता लगता है कि मार्क ही वो है जब आंखें ब्लिंक होती हैं तो सारे गुंडे या फिर जो भी खतरा होता है वो सारा सॉल्व हो जाता है और हमेशा स्टीवन बचता हुआ निकल जाता है। और इसी के बाद जब सब चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं उसके बाद सीधा दिखाया जाता है कि स्टीवन अपने बेड से उठता है जहाँ पर स्टीवन को लगता है कि उसने एक सपना देखा था। और वो सब चीज़ें भी वैसी ही होती हैं जैसे कि स्टीवन करके सोता था यानी कि अपने पैरों में बिड़े बांध के सोता था वो भी वैसी ही होती है। रेत पे भी कोई निशान नहीं होता है और गेट पे भी टेप लगी होती है। और इसके बाद ही उसको याद आता है कि उसको तो डेट पर भी जाना था और फिर वो रेडी होकर अपनी डेट के लिए निकल जाता है। और फिर रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर उसको बैठे हुए काफ़ी देर हो गई थी। जिस लड़की के साथ उसकी डेट थी वो वहाँ पर आती ही नहीं और फिर स्टीवन उस लड़की को कॉल करता है और उसको पूछता है कि तुम डेट के लिए क्यों नहीं आई। जहाँ पर वो लड़की स्टीवन को गुस्से में बोलती है कि जो डेट थी वो फ्राइडे को थी और जिस दिन तुम बात कर रहे हो वो संडे है और ऐसा मजाक मेरे साथ दोबारा मत करना। जिसके बाद स्टीवन शॉक हो जाता है और उसको ये पता लग जाता है कि वो दो दिन से गायब था। इस बात से स्टीवन काफ़ी परेशान हो जाता है और वो ये सोचता है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। और उसके बाद वो परेशान होकर अपने घर वापस लौट जाता है जहाँ पर वो एक चीज़ नोटिस करता है अपने रूम के अंदर कि ऊपर की तरफ एक लकड़ी टूटी हुई थी जिसमें वो जब चेक करता है तो उसको एक सेलफोन और एक की मिलती है। और जब स्टीवन उस फोन को ऑन करता है तो उसमें लाइला नाम की एक लड़की की बहुत सारी मिस कॉल होती है। तो उसी टाइम लाइला की कॉल उस फोन पर आ जाती है और स्टीवन उस कॉल को पिक कर लेता है जिसमें लाइला ये पूछती है कि मार्क तुम इतने टाइम से कहाँ पर थे और मैं तुमको कितने महीने से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ मगर तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आता है। मगर फ़ोन तो स्टीवन ने उठाया था और स्टीवन को तो पता ही नहीं होता कि आखिर मार्क है कौन। और स्टीवन लाइला से बोलता है कि मार्क को मैं नहीं जानता, तुमको भी मैं नहीं जानता। तो जिसके बाद लाइला ये चीज़ समझ जाती है और फ़ोन कट कर देती है। तभी स्टीवन को कुछ आवाज़ें आती हैं जो कि उससे कह रही होती हैं कि अपनी तलाश बंद करो। जिसके बाद स्टीवन अपने रूम से भागता है लिफ्ट की तरफ और वहाँ पर उसको वो इजिप्शियन गॉड नज़र आता है जहाँ पर स्टीवन ये चीज़ें देख के काफ़ी डर जाता है और अचानक से वो चिल्लाता हुआ बस में आ जाता है। जैसे कि वो होता किसी और जगह पे है और उठता किसी और जगह पे, उसी तरह से वो लिफ्ट से सीधा बस में पाता है अपने आप को। और अब उसको वो गॉड रोड पर भी दिखाई देता है और फिर वो अपनी जॉब पर यानी म्यूजियम पे आ जाता है जहाँ पर उसका ऑलरेडी आर्थर इंतज़ार कर रहा होता है।
और चारों तरफ आर्थर के ही लोग स्टीवन को घेर लेते हैं। यहाँ पर हमको पता लगता है कि जो स्टीवन के पास स्कैलब है वो एमिट का है। एमिट यानी वो भी एक इजिप्शियन गॉड है जो कि लोगों के बुरे कर्म देखकर उनको सजा देती थी, और एमिट के साथी गॉड और उसके दोस्त ने उसको धोखा दिया। और आर्थर स्टीवन को बताता है कि अगर एमिट जिंदा होती तो हिटलर ऐसे लोग कभी भी राज नहीं कर पाते और उसके ऐसे लोग पहले ही मर जाते और ये दुनिया पाप से भी मुक्त होती। और जहाँ पर आर्थर स्टीवन को ये यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और फिर वो उसके हाथ अपने हाथों में पकड़कर और उस पर छड़ी रखता है, जिसके बाद आर्थर हमेशा की तरह जैसे पहले भी दिखाया गया था कि वो अपने तराजू से स्टीवन के कर्मों को तोलता है। जहाँ पर वो ये चीज़ें देख के हैरान आ जाता है कि उसके अंदर कोई शक्ति है, जिसके बाद आर्थर स्टीवन को बोलता है कि तुम्हारे अंदर कलेश है, और फिर स्टीवन वहाँ से भाग जाता है। और फिर दिखाया जाता है जहाँ पर स्टीवन म्यूजियम के अंदर ओवर टाइम कर रहा होता है, तब उसको म्यूजियम के अंदर से अलग सी आवाज़ आती है, और तब स्टीवन एक चीज़ को देख के हैरान हो जाता है कि वहाँ पर एक एंशियंट क्रीचर जिंदा होता है जो कि काफ़ी खूंखार और ख़तरनाक होता है। और साथ ही में स्टीवन को एक आवाज़ सुनाई देती है कि तुम उस स्कैरब को मेरे हवाले कर दो और फिर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तब स्टीवन उस क्रीचर से बचते बचाते उस वॉशरूम तक पहुंचता है, और यहाँ पर उसको किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि मार्क की होती है। तब मार्क स्टीवन को बोलता है कि खुद को मेरे हवाले कर दो। तब स्टीवन को ये सब झूठ लगता है, क्योंकि उसको हमेशा से लगता था कि ये सब चीज़ें धोखा हैं और ऐसा कुछ भी रियलिटी में नहीं होता है। मगर मार्क उसको यकीन दिला रहा होता है कि तुमको कुछ भी नहीं होगा और तुमको इस खतरे से मैं बचा लूँगा, बस तुम खुद को मुझे सौंप दो और दोनों की जान बच जाएगी। और फिर स्टीवन इस बात के लिए मान जाता है, और तभी वो क्रीचर दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसता है, और फिर स्टीवन को दिखाया जाता है कि वो मून नाइट में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, और तभी वो क्रीचर उस पर हमला कर देता है। तभी इसमें एंट्री दिखाई जाती है मून नाइट की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग करेक्टर दिखाया गया है और काफ़ी ऑसम करेक्टर दिखाया गया है। इसमें यही दिखाया जाता है कि वो इस क्रीचर को इजीली मार देता है। इससे ये पता लगता है कि मून नाइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिए, और देखते रहिए इस चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2 की कहानी मून नाइट मार्वल हीरो की। तो लास्ट एपिसोड में एंड में देखा गया था जहाँ पर स्टीवन मून नाइट में कन्वर्ट हो जाता है और वो उस क्रीचर को मार देता है जो स्टीवन पर हमला कर रहा था। और उसके बाद स्टीवन की आंखें सीधा उसके बेड पर खुलती है, और फिर वो अपने घर के शीशे में जाकर मार्क से बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि अक्सर वो जब भी आईने के सामने आता था, यानी कि स्टीव, वो जब ही मार्क से बात कर पाता था। तो यानी कि जिसकी पर्सनैलिटी भाग की तरफ होगी, यानी कि अगर स्टीव उस शरीर में है तो वो शीशे के जरिए ही मार्क से बात कर सकता है, और अगर मार्क शरीर में है तो वो शीशे के जरिए ही स्टीव से बात कर सकता है। और फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि स्टीव दोबारा से म्यूजियम की तरफ जाता है जहाँ पर वो काम करता है, और जहाँ पर स्टीव सिक्योरिटी कैमरा चेक करने के लिए रिक्वेस्ट करता है वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से, और उसको पहले से ही आगाह कर देता है कि जो भी तुम इस वीडियो में देखोगे तुम उस चीज़ को देखकर काफ़ी हैरान रह जाओगे। यानी कि सिक्योरिटी गार्ड को स्टीवन बोलता है, क्योंकि उसको पता था कि उस वीडियो में उस क्रीचर को भी देखने को मिलेगा और स्टीवन का वो रूप भी देखने को मिलेगा जब वो मून नाइट में कन्वर्ट हो गया था। मगर जब वो रिकॉर्डिंग सामने आती है और जब वो कैमरे पे दिखता है तो उसमें सब कुछ नॉर्मल दिखता है, और स्टीवन ये देख के काफ़ी हैरान रहता है कि बाकी सब चीज़ें क्यों नहीं रिकॉर्ड हुई, उसमें वो क्रीचर क्यों नहीं दिखा। और वो फिर से झूठा साबित हो जाता है और उसको लोग पागल की तरह ही ट्रीट करते हैं। और फिर स्टीवन को अलग से एक रूम में बुलाया जाता है जहाँ पर कि उसको ये बताया जाता है कि तुम्हारी मेंटल हालत शायद ठीक नहीं है, और जिसके लिए तुमको एक डॉक्टर हम रिकमेंड कर रहे हैं, इससे तुम अपना इलाज कराओ। और साथ ही साथ वो उसको उस जॉब से फायर कर देते हैं, क्योंकि स्टीवन की वजह से कुछ म्यूजियम को नुकसान हुआ था। जो बाथरूम एरिया था पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसको डिस्ट्रॉय करने का पूरा नाम स्टीवन पर लगता है, मगर म्यूजियम वाले उससे कोई चार्जेस ना लेकर उसको जॉब से फायर कर देते हैं और उसको वहाँ से जाने को बोलते हैं। इसके बाद स्टीवन उसी स्टैचू के पास जाता है जिससे वो अक्सर अपनी बातें बताया करता है, और तभी उसको एक आइडिया आता है। तो उसको आइडिया ये आता है कि जो उसको घर पर एक सामान मिला था, यानी कि एक की और एक फ़ोन, उसी के ज़रिए वो आगे की छानबीन करेगा, जिससे कि उसको ये सब पता लगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो उस की और उस फ़ोन के ज़रिए वो उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर
वो की रिलेट करती है, यानी कि उस की पर ऑलरेडी एक कंपनी का नाम लिखा होता है, फेमस होती है। और जब वो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से आके पूछता है कि मैं इस चाबी से रिलेट हूँ, जिसमें कि वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसको पहचान जाता है और वो बोलता है कि आपको तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं आपका फेस कभी नहीं भूलूंगा। और वो उसको वहां तक ले आता है जहाँ पर वो चाबी लग जाती है, यानी कि वो चाबी एक लॉकर की होती है, बड़े से लॉकर की, उसको वो वहां तक पहुंचा देता है। तब स्टीवन उस लॉकर में जाता है और उसको वहां पर एक बैग मिलता है जिसमें कि एक गन और काफी सारे पैसे और वो स्कैरब होता है। उसके बाद स्टीवन को परछाई में मार्ग दिखाई देता है, जहाँ पर मार्ग उससे बोलता है कि मुझे अपने शरीर को सौंप दो और मुझे सब चीज़ें हैंडल करने दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा क्योंकि मैं ही हम दोनों को बचा सकता हूँ। लेकिन स्टीवन पूरा सच जाना चाहता था, जिसके बाद मार्ग उसको बताता है कि वो दोनों अंशु के अवतार हैं जो कि इजिप्शियन चांद का देवता होता है। वो लोग मासूमों की जान बचाकर बुरे लोगों पर अंशु का कहर बरसाते हैं। ये सुनकर स्टीवन काफी शॉक हो जाता है और मार्क को अपनी बॉडी का कंट्रोल देने के लिए मना कर देता है और वहां से वो बैग को लेकर भागना शुरू कर देता है, ताकि वो बैग को पुलिस में सबमिट कर सके उन पैसों के साथ और उस गन के साथ, ताकि वो अपने आप को बेकसूर साबित कर सके, ताकि मार्क बाहर आके किसी को भी नुकसान ना पहुंचा पाए। क्योंकि स्टीवन यही मानता था कि मार्क गलत काम करता है और लोगों को मारता पड़ता है। और जब स्टीवन बैग लेके भागता है तो वहां पर लाइट ब्लिंक होने लगती है और वहां पर अचानक अंशु अपीयर हो जाता है, जो कि स्टीवन को पुलिस के पास जाने से रोक रहा होता है और उसे उस बैग को वापस रखने के लिए बोलता है। तब स्टीवन किसी तरह उस वेयरहाउस से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और जैसे ही बाहर निकलता है तो वो रोड पे सीधा गिर जाता है, जहां पर उसको अचानक से वही लड़की मिलती है जो फोन पर उससे बोलती है कि तुम इतने दिनों से कहां थे, यानी कि लाइला। लाइला स्टीवन को मार्क समझ रही होती है, मगर बॉडी में अभी स्टीवन होता है, जहां पर स्टीवन को पता लगता है कि लाइला उसकी वाइफ है। और ये बात सुनकर उसको काफी ज्यादा शॉक लगता है कि वो एक मैरिड इंसान है। स्टीवन लाइला को अपने अपार्टमेंट में, यानी कि अपने फ्लैट में ले आता है। उसके बाद स्टीवन को मार्क बोलता है, तुमको लाइला को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था, उसको इस चीज में मत फंसाओ। और इसी वजह से मार्क ने लाइला को डिवोर्स पेपर भेजे थे साइन करने के लिए, मगर वो डिवोर्स के पेपर अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं थे क्योंकि उसमें अभी दोनों के साइन नहीं थे। और उसके बाद स्टीवन स्कैलब की बात छेड़ता है, जहाँ पर मार्क उसको स्कैलब के बारे में बताने को मना करता है, यानी कि लाइला को, क्योंकि इसमें मार्क ये चाहता था कि अगर वो स्कैलब लाइला की नज़र में आ गया तो उसकी भी जान खतरे में हो जाएगी, तो इसलिए वो उसको दिखाने को मना करता है। तब स्टीवन उस चीज़ को सुनकर रुक जाता है और स्कैलब नहीं दिखाता है, मगर लाइला भी स्कैलब देखने के लिए काफ़ी बेताब होती है और इसको वो काफ़ी टाइम से सर्च कर रही होती है, जिसके बाद वो स्टीवन को साइड में हटाती है और वो स्कैलब को देख लेती है। स्कैलब को लाइला और मार्क ने इकट्ठे ढूंढा था और उसी की मदद से एमिट की मूर्ति तक पहुंचा जा सकता था। और इसके बाद स्टीवन लाइला को ये भी बताता है कि वो मार्क को नहीं जानता है और साथ ही में उसको ये भी नहीं याद है कि उन दोनों ने कभी शादी भी करी थी, और उसको लाइला बिल्कुल भी याद नहीं है। और साथ ही में वो लाइला से मदद मांगता है कि उसकी जान को खतरा है। तभी स्टीवन के रूम पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं और लाइला छत पर जाकर छुप जाती है। तब पुलिस वाले घर को सर्च करते हैं और उनको वो बैग मिलता है जिसमें कि पैसे होते हैं और बंदूक होती है, तो इसी जुर्म में वो पुलिस वाले स्टीवन को अपने साथ ले जाते हैं। पर अभी दिखाया जाता है कि वो पुलिस वाले स्टीवन को पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय कहीं और ले जाते हैं। यहीं पर पता लगता है कि वो पुलिस वाले आर्थर, यानी कि जिसको हीरो भी बोलते हैं, उसी के लिए काम करते थे। तो हैरब वहाँ पर आता है, यानी कि आर्थर वहाँ पर आता है और स्टीवन को एक जगह पर लेकर आ जाता है। इसी बीच में स्टीवन को कॉन्शु बार बार रोक रहा होता है कि उसकी बात मत मानो, यानी कि आर्थर की बात मत मानो, मगर आर्थर उसको बार बार ये बोलता है कि उसकी बात मत सुनो, यानी कॉन्शु की बात मत सुनो, और जब तक तुम नहीं चाहोगे, यानी कि जब तक स्टीवन नहीं चाहेगा, वो तुमको कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी कि कॉन्शु, यानी कि आर्थर कॉन्शु के खिलाफ स्टीवन को भड़का रहा होता है। और यहाँ पर जो भी कॉन्शु स्टीवन को बोल रहा होता है, वो सब चीज़ें आर्थर को ऑलरेडी पता होती है कि वो ऐसे ऐसे बोल रहा होगा तुमको, जिस चीज़ को सुनकर स्टीवन काफ़ी हैरान रहता है। और वो ये बोलता है आर्थर से, यानी कि हैरो से, कि तुमको ये सब चीज़ों के बारे में कैसे पता, तुम भी उसको सुन सकते हो क्या, जिसमें कि हैरो यानी कि आर्थर स्टीवन को ये बताता है कि उसको इस बारे में इसलिए पता है क्योंकि वो स्टीवन से पहले, यानी मार्क से पहले, कॉन्शु का अवतार था। आर्थर स्टीवन को बताता है कि कॉन्शु उन्हीं को सजा देता है जो कि ऑलरेडी जुर्म कर चुके हैं, और एमिट पहले से ही उस जुर्म को भांप लेती है और जुर्म होने से पहले ही उस जुर्म को खत्म कर देती है। एरो को वो स्कैलब चाहिए होता है एमिट को आज़ाद करने के लिए। दरअसल ये स्कैलब एक तरह का कंपास होता है जिसके जरिए
वो एमिट तक पहुंच सकते हैं, पर स्टीवन आर्थर की ये बात से सहमत नहीं होता है। और इसमें स्टीवन अपनी सोच ये बताता है कि एमिट उन लोगों को सजा देती है जिसने वो जुर्म कराई नहीं है, यानी कि वो लोग निर्दोष होते हैं। कि इंसान ने जब वो जुर्म कराई नहीं है तो उसके लिए पहले से इसको सजा देना गलत है। तब हैरो स्टीवन से वो स्कैलप मांगता है, मगर स्टीवन के पास इस वक्त वो स्कैरब नहीं होता। और तभी वहाँ पर लैला आती है जिसके पास वो स्कैरब होता है। हैरो लैला से वो स्कैरब मांगता है, मगर वो स्कैरब हैरो को न देके वो स्टीवन को ही पकड़ा देती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तब हैरो अपनी छड़ी की शक्ति का इस्तेमाल करता है जिसके अंदर एमिट की एक शक्ति का अंश होता है। और तब हैरो उस छड़ी की मदद से एक जयकाल को बाहर निकालता है, जो कि वही क्रिएचर होता है जो पिछली बार म्यूजियम में दिखाया गया था। तब स्टीवन और लैला एक कमरे में आते हैं और उसको लॉक कर देते हैं। स्टीवन यहाँ पर काफ़ी परेशान होता है और लैला उसको ये समझाने की कोशिश कर रही होती है कि तुमको वो सूट पहनना पड़ेगा, यानी कि लैला स्टीवन को मून नाइट में कन्वर्ट होने को बोल रही थी। तभी वहाँ पर वो जयकाल आ जाता है जो कि सिर्फ स्टीवन को ही दिख रहा होता है, लैला उसको नहीं दिख पाती। और तब वो जयकाल स्टीवन पर हमला कर देता है और उसको विंडो से तोड़ता हुआ नीचे तक गिरा देता है। इसी बीच में स्टीवन कॉन्शु का वो सूट पहनने की कोशिश करता है और मून नाइट में कन्वर्ट ना होके कुछ अलग ही बन जाता है, क्योंकि स्टीवन को पता ही नहीं होता कि मून नाइट का सूट कैसे पहनना है। और इसमें एक तरह की पर्सनैलिटी दिखाई गई है जिसमें कि माँ की पर्सनैलिटी काफ़ी स्ट्रांग दिखाई गई है, तो उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग वो मून नाइट का सूट आता है। और इसमें स्टीवन को काफ़ी वीक दिखाया गया, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें ये वाला सूट दिखाया गया है, क्योंकि इस टाइम पर बॉडी के अंदर स्टीवन है और बॉडी को कंट्रोल स्टीवन कर रहा है, तो उसके लिए ये वाला सूट आया है। तो जब जयकाल स्टीवन को मार रहा होता है, उस बीच में लैला उसको बचाने की कोशिश करती है जयकाल से और बीच बीच में हमला करती है, पर वो जयकाल दोनों पर ही काफ़ी भारी पड़ रहा होता है। और तभी मार्क स्टीवन को मनाता है कि मुझे अपनी बॉडी सौंप दो और मैं उस चीज़ को ख़त्म कर दूंगा। और इसमें शुरुआती में तो वो नहीं मानता है, यानी कि स्टीवन, मगर बाद में काफ़ी मार खाने के बाद वो मान जाता है और अपनी बॉडी मार्क को सौंप देता है, जिसके बाद वो मून नाइट में कन्वर्ट हो जाता है और उस क्रीचर को मार देता है। और फिर मार्क जब उस स्कैरब को ढूंढ रहा होता है तो वो उसको उसके पास नहीं मिलता, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो लड़ाई के दौरान कहीं गिर गया था। तब वो स्कैरब एक बूढ़े आदमी को मिलता है और उसके बाद ही वहाँ पर आर्थर को भी आते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद वो स्कैरब उससे ले लेता है और उस आदमी को मार देता है। और उसको ये सब करते हुए लैला भी देख लेती है। फिर दिखाया जाता है मार्क को, जहाँ पर इस बारी आईने के अंदर होता है स्टीवन और बॉडी के अंदर होता है मार्क, जिसमें कि स्टीवन मार्क से बोलता है कि मुझे मेरी बॉडी वापस कर दो, मगर इस बारी मार्क उसको साफ साफ मना कर देता है। और साथ ही साथ में मार्क स्टीवन को ये बोलता है कि अब ये बॉडी मेरे कंट्रोल में ही रहेगी, जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक तुम इस बॉडी में नहीं आ पाओगे, और जब मैं अपना पूरा कर्जा अदा कर दूंगा, यानी कि सब चीज़ें ठीक कर दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारी लाइफ से चले आऊँगा। और साथ ही में मार्क को लैला को भी बचाना था, क्योंकि कॉन्शु बार बार उसको यही बोल रहा होता है, यानी कि मार्क को, कि तुमसे अगर ये काम नहीं होगा तो मैं अपना नेक्स्ट अवतार लैला को बना लूंगा। मगर मार्क ये नहीं चाहता था कि लैला इन सब चीज़ों में फंसे, तो इस वजह से वो खुद ही सब चीज़ें ठीक करना चाहता था। जिसके बाद कॉन्शु मार्क को ये भी बताता है कि स्कैरब आर्थर लेके जा चुका है, यानी कि हैरो, और जिस पर मार्क ये जवाब देता है कि हम फिर भी उससे पहले एमिट तक पहुंच जाएंगे और इस काम के बाद मुझे आज़ाद कर देना। कॉन्शु मार्क से बोलता है कि तुम्हें भी मेरा काम करना अच्छा लगता है, तो अगर हमारा साथ छूटा मेरा दूसरा अवतार तुम्हारा कोई खास होगा। और उसके बाद सीधा मार्क को इजिप्ट के अंदर दिखाया जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड 2 यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और अगर आपको मून नाइट के और आगे के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन भी देखने हैं तो प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।